आखिरी नंबर्स का रुख कर लेते हैं, 7, 8 और 9 नंबर, क्या कहते हैं ये मूलांक, कैसे ये दीपावली इनके लिए बेहद खास, रुख करते हैं मान्या जी का। देखिए दिवाली जो है ना वो एनर्जीज का जो है सबसे बड़ा खेल है, तो यहाँ पर हमने एनर्जी को एक्यूमुलेट करना है, इतने समय से जो एनर्जी हमारी यूज़ हो रही है उसको सबको इकट्ठा करना है। तो 7 मूलांक वाले जो लोग हैं ना उनके लिए मेडिटेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई एक डिससेटिस्फैक्शन सी चल रही है, अपने ही काम से वह खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको जो है इस समय पर मेडिटेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो हवन भी करना चाहते हैं तो वो काले तिल से या फिर सफ़ेद तिल से हवन करें, वो उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और अगर बात करें 8 नंबर की, तो ये समय वेल्थ एक्यूमुलेट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करें अगर वह शेयर मार्केट में स्पेकुलेशंस करते हैं तो बिल्कुल ना करें। म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोई लैंड को जो है वो लैंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेशन बिल्कुल भी ना करें, इस समय पर स्पेकुलेशन का समय नहीं है। तो कोशिश करें कि शेयर मार्केट में अगर वो कर रहे हैं तो स्पेकुलेशन नहीं करें, म्यूचुअल फंड्स में वह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 9 नंबर की, जो कि मंगल का नंबर है, और मंगल जो है वो बहुत ही कहते हैं ना जैसे अग्नि का नंबर है, तो एंगर से भरा हुआ नंबर है, तो इसमें जो है इस समय जो है दिवाली के समय पे उनको कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज रह सकते हैं, तो कोशिश करें उस एंगर को थोड़ा सा अपने साइड पर रख के सर्विंग की भावना जो है इस समय पर लेकर आए, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, ये इनके लिए बहुत ही बेटर रहेगा और ये इनके रिजल्ट्स भी जो है इनको बहुत ही अच्छे रहेंगे।